महानगर की दशा एवं दिशा विषय पर केंद्रित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन महानगर पर्यावरण मंच एवं गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को बैंक रोड स्थित एक होटल में आयोजित हुई। कार्यशाला में महानगर की जलवायु दशा, संभावनाएं और चुनौतियां, जल संबंधित मुद्दे, जल जमाव के प्रभावकारी कारक, शहरी नियोजन और रखरखाव, हरित क्षेत्र, जलाशय अतिक्रमण और यातायात सहित विभिन्न मसलों पर चर्चा किया गया। कार्यशाला में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर मध्य प्रदेश के निदेशक प्रोफेसर एन श्रीधरन, महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पनवार शिमला, भूगर्भ विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर बिमल सिंह, डॉक्टर मुमताज खान और अन्य पर्यावरणविद विशेषज्ञ उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर सिराज वजही ने कहा, इंजीनियर्स के सदस्य सब लोग हैं और उनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके एक पुस्तक में लिखा था कि किसी भी नगर की समस्याओं को समाधान के लिए वो इस तरह प्रेरित करें कि प्रभावी रह सके। चाहिए ग्रीन नगर के साथ साथ जब हमारा पेड़ पौधे लगाएंगे सुरक्षित रख सकते हैं। प्लास्टिक जिस पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगाया, जो हमारे गांव तक पहुंचता था और खेतों में जाकर हमारी ऊर्जा शक्ति को नष्ट करता था और वहां पानी जहां भी खेत में प्लास्टिक नष्ट हो जाते थे, इस पर हमारी सरकार ने ध्यान दिया है और हमारे प्लास्टिक पर पूरी तरह से गोरखपुर में प्रवेश उपाय। जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगा पर्यावरण के प्रति हर आदमी की चिंता, हमारे बहुत सारे विद्वान बैठे हैं, हम तो प्लानिंग करते हैं, अपनी बातें समाज के सामने रखते हैं, लेकिन इनका को दबाव डालेंगे तो हमारा शहर साफ सुथरा होगा। हम अनावश्यक रूप से आज देख रहे हैं कि देश में खर्च करने के लिए जनता जिसको देती है अनावश्यक रूप से कर्जे माफ कर दिए जाते हैं, ये भी एक चिंता के लिए विषय है। इस पर भी दिया जाता है और वो पैसा कर्ज में एक बहुत बड़ी रकम जो विकास पर खर्च होना चाहिए कर्ज में हम लोग दे देते हैं, ये चिंता का कारण है। मैं यहाँ पर सभी विद्वान लोग बैठे हैं, यहाँ पर बाहर से भी हमारे डिप्टी मेयर शिमला भी आए हैं, इन्होंने भी बताया कि गोरखपुर में जीडीए अलग प्लानिंग करता है, नगर निगम अलग प्लानिंग करता है, दोनों में तालमेल नहीं होता, इसलिए बहुत से हम लोग शहर के डेवलपमेंट में पीछे पड़ जाते हैं। शहर के नजदीक जो गांव हैं उनको डेवलप करके हम शहर पर शहर को पर्यावरण से सुरक्षित कर सकते हैं। जो सुविधाएं हमें शहर में दी जाती है बगल के गांव में दी जाए तो आबादी का बोझ शहर पर बहुत कुछ कम हो सकता है। हमारे आशीष श्रीवास्तव जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी गोरखपुर को बहुत नजदीक से देखा है और बहुत सारी प्लानिंग की है, इनके पास गोरखपुर के विकास के अनेक योजनाएं हैं, ये अगले सत्र में आप लोगों के सामने रखेंगे। यहाँ पर हमारे जितने गोरखपुर वासी बसे हैं और हमारे लोग बाहर से आए हैं, इस पर ध्यान देंगे और हम सभी मिलकर के अगली पीढ़ी के लिए एयर वाटर और अर्थ को सुरक्षित रखेंगे, तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, ये मानवता सुरक्षित रहेगी। हम एक लेख पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था एक वैज्ञानिक ने कि अगर पर्यावरण को सुरक्षित नहीं किया गया, आबादी के बोझ को कम नहीं किया गया तो मानवता नष्ट हो जाएगी, इन्हें बसने के लिए कोई दूसरा अंतरिक्ष में जगह खोज लेना चाहिए, इस तरह की हमारे वैज्ञानिक भविष्यवाणी कर रहे हैं।
जी, ये गोरखपुर महानगर के लिए आगे 2030 में किस तरह का होगा हमारा गोरखपुर महानगर, इसके लिए गोरखपुर के बुद्धिजीवी वर्ग ने और गोरखपुर के नागरिकों ने ये पहल की है कि हम लोग मिल करके सोचें और समझें कि शहर की आज की स्थिति क्या है और आगे इसको हम लोग सब जो नागरिक हैं यहाँ के वो किस तरीके से इसको ले जा सकते हैं आगे, और इस पे सरकार का और नगर निगम का कैसे हम लोग सहयोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से बात हो रही है कि हम लोग सक्रिय नागरिक हों, अपनी भूमिका निभाएं गोरखपुर शहर को रखरखाव में, और साथ ही एक संवेदनशील प्रशासन हो, नगर निगम हो, सरकार हो, कि जो दोनों मिल करके नागरिक और ये जो तंत्र है ये दोनों मिल करके हम लोग शहर के बारे में सोच सकें और शहर को आगे एक स्वर्णिम दिशा में ले जा सकें, उसकी दिशा निर्धारित कर सकें। जिला प्रशासन या नगर निगम काफ़ी प्रयास करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता है, इसके लिए कुछ क्या अवेयरनेस की जरूरत है इस तरह के जी। नगर निगम एक सेवा जो भी हमारी जो मूलभूत सेवाएं हैं उनको देने का काम करता है, पर ज़रूरी यह है कि नगर निगम की जो काम है उसका और शहर की जो नियोजन है, शहर का जो प्लानिंग है, उन दोनों का एक तारतम्य हो, एक सामंजस्य हो, क्योंकि जो सेवाएं बनती हैं वो उसी पूरे जो बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बड़ा तंत्र है, उसके तहत बनती है जहाँ पे नियोजन आवश्यक है। तो पहले नियोजन की भी बात है, हमारे जो अतिक्रमण है, हमारा जो लैंड यूज़ है, जो हमारी ज़मीन का जो कहाँ पे क्या बनना है, किस तरीके का होना है, ये सारा जो नियोजन है वो भी ज़रूरी है। अगर ये नियोजन सही होगा तभी, और नियोजन ही नहीं नियोजन का क्रियान्वयन भी, तभी नगर निगम एक अच्छी सेवा देने के लिए तैयार हो सकेगा और वो बेहतर ढंग से काम कर सकेगा।